नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। चीन इस वक्त बेहद घातक कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है और इससे लड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अभी तक इस वायरस निपटने के लिए कारगर उपाय नहीं मिल पाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग को पत्र लिखकर मदद की पेशकश की थी। अब शी जिनफिंग ने पत्र का जवाब देते हुए इस पहल की सराहना की और कहा कि ये भारत की बीजिंग के साथ दोस्ती को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। जिनफिंग को लिखे पत्र में मोदी ने वायरस के प्रकोप को लेकर राष्ट्रपति और चीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई थी। यह संक्रमण पड़ोसी देश में 900 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गिंग शुआंग ने कहा, हम कोरोना वायरस के खिलाफ चीन की लड़ाई में भारत के समर्थन के प्रति आभार जताते हैं और सराहना करते हैं। चीनी प्रवक्ता ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में मोदी की ओर से जिनफिंग को लिखे गए पत्र के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, भारत का सद्भावना का ये कदम चीन के साथ उसकी दोस्ती को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। इससे कोरोना वायरस से लोगों की मौत पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री ने हुबेई प्रांत से करीब 650 भारतीयों को निकालने में मदद के लिए जिनफिंग के प्रति आभार भी जताया था। कई देशों ने चीन से अपने अपने नागरिकों को निकाला है। भारत ने भी चीन से लोगों के आने और जाने पर एहतियाती तौर पर रोक लगा दी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शुआंग ने कहा, हम इस महामारी से निपटने और क्षेत्र तथा दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। राइट दो नए क्रोता थे उन मारक सपा जाए